नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ बलजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और हेडलाइन के बाद दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना की मार बाजार में भी देखने को मिल रही, ऑनलाइन खरीदारी से भी दुकानदार परेशान, बोले इस बार धनतेरस पर कम खर्च कर रहा ग्राहक। गांधी भवन में पत्रकारों के साथ हो रहे अपराध को लेकर हुई वर्कशॉप, जनपद के न्यायाधीश हुए शामिल, बोले पत्रकारों के विरुद्ध दंड भाव में कमी लाना बेहद जरूरी। अल्लागंज में बदमाशों के हौसले बुलंद, बीच सड़क पर दबंगों ने युवक को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। स्टेट लेवल पावर लिफ्टिंग में खिलाड़ियों ने शाहजहांपुर का नाम रोशन किया, दो मेडल अपने नाम किए। शाहजहांपुर पहुंचने पर खिलाड़ियों का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। और पुआय में बिजली का करंट लगने से लाइनमैन की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग को ठहराया जिम्मेदार। कलान क्षेत्र के ढाई घाट पर लगने वाले कार्तिक मेले को लेकर एसडीएम ने मेला स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। एसडीएम सतीश चंद्र ने ढाई घाट पर लगने वाले मेले की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। अल्लागंज में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। यहां बीच सड़क पर दबंगों द्वारा एक युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो थाने से चंद कदमों की दूरी का है। यहां पर सरेराह एक युवक को पीटा जा रहा है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल मिशन 24/7 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। शाहजहांपुर पुलिस लाइन में दीपावली के मौके पर मेले का आयोजन किया गया। मेले का आयोजन बाबा सारथी की ओर से कराया गया है। इस मेले में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिन स्टॉलों पर पुलिस परिवार खरीदारी कर रहे हैं। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित लिटिल स्कॉलर कॉन्वेंट में आज दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। विद्यालय प्रबंधक गुलजार सिंह ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को उपहार स्वरूप मिठाई देकर धनतेरस और दीपावली की बधाई दी। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने विद्यालय परिसर में दीपक भी जलाए। वहीं विद्यालय प्रबंधक गुलजार सिंह ने सभी से अपील की है कि प्रकाश के पावन पर्व को आपसी मेलजोल और सद्भाव के साथ मनाएं। त्यौहार के मौके पर वेतन न मिलने से नाराज हुए बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने काम बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन करने के बाद बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि जलालाबाद में विद्युत उपकेंद्र पर तैनात कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले दो महीनों से नहीं मिली थी, जिसके चलते कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिला, जिसके चलते वह आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कुआएं की देवरिया स्थित दशमेश एकेडमी में भी दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने रंगोली बनाई और दीप प्रज्वलित किए। शाहजहांपुर के बाजारों में इस बार कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि लोग महंगी खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी से भी बिक्री पर खासा असर पड़ा है। धनतेरस के मौके पर शहर का सदर बाजार कभी गुलजार हो जाया करता था और लोग महंगी खरीदारी करते थे, लेकिन इस बार कोरोना का असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। हालांकि बाजार में धूमधाम है तो लोगों की भीड़ भी है, लेकिन लोग महंगी खरीदारी करने से थोड़ा बचते नजर आ रहे हैं। सिंधौली के एमए पब्लिक स्कूल और ग्लोरियस माइनॉरिटी पब्लिक स्कूल में दीप प्रज्वलित कर दीपावली का त्यौहार मनाया गया।
त्यौहार के मौके पर बच्चों द्वारा सुंदर रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया गया। बच्चों ने सुंदर रंगोली सजाकर त्यौहार का लुत्फ उठाया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद आसिफ अली मंजूरी और इरम मंजूरी ने सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को मिठाई खिलाकर दीपावली के त्यौहार की बधाई दी। रंगोली प्रतियोगिता में रेखा यादव ने पहला, जगदीप कौर ने दूसरा और सलोनी यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में विजयी रहे छात्र छात्राओं को उपहार भी दिए गए। पत्रकारों के विरुद्ध दंडाभाव को रोकने के लिए सायहापुर में एक खास वर्कशॉप का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीश भी शामिल हुए। न्यायाधीशों ने कहा कि मीडिया पर हमला लोकतंत्र पर हमले के बराबर है। कार्यक्रम का आयोजन गांधी भवन सभागार में किया गया, जिसमें जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायिक प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य पत्रकारों के विरुद्ध अपराध के दंडाभाव को कमी लाने के लिए न्यायालय की भूमिका रहा। नमामि गंगे परियोजना के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा आज कलान के गोकर्ण सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ब्लॉक प्रमुख रामगोपाल वर्मा और प्रधानाचार्य आजाद सिंह यादव ने माँ गंगा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सिंधौली के भटपुरा रसूलपुर स्थित जेपी पब्लिक स्कूल में आज दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां विद्यालय के पूरे स्टाफ ने बच्चों के साथ दीपावली के त्यौहार का जश्न मनाया, तो वहीं बच्चों ने भी सुंदर सुंदर दिए और थाल सजाए। वहीं सबसे अच्छा थाल सजाने वाले बच्चों को प्रधानाचार्य हिना खान की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। विद्यालय प्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता ने विद्यालय स्टाफ को सैलरी के साथ साथ उपहार स्वरूप मिठाई देकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। जलालाबाद में धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। आज बाजार में दुकानें सुबह से ही सज गई थीं और ग्राहकों का आना जाना दिन भर लगा रहा। वहीं दोपहर बाद बाजार में खासी भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों का कहना है कि बाढ़ और बेमौसम हुई बरसात से बाजार में ग्राहकों की कुछ कमी देखने को मिली, जिसके चलते दीपावली फीकी नजर आ रही है। कानपुर में हुई यूपी स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सायहापुर के खिलाड़ियों ने 2 मेडल अपने नाम किए। यहां 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें आकांक्षा शुक्ला ने 53 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं कुलदीप सिंह ने भी सिल्वर मेडल अपने नाम किया। आपको बता दें कि दोनों खिलाड़ी कोच मोहित तिवारी के नेतृत्व में यूपी स्टेट पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सायहापुर पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों और कोच मोहित तिवारी का जोरदार स्वागत किया गया। भावलखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय नई बस्ती में भी आज बच्चों ने दीपावली का त्यौहार मनाया। यहां बच्चों ने दीपावली के मौके पर रंगोली बनाई और दीपक और मोमबत्ती सजाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली की बधाई भी दी।